अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड प्लस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो मंडे की सुबह है और अभी जो है 9 o'clock हुए हैं। मैं नाश्ता बना रही हूँ एज यूजल। तो मुझे ना ख्याल आया कि मेरे पास कोई खास रिकॉर्डिंग नहीं थी कल। सैटरडे संडे तो जो है ना काफ़ी बिजी गया। कल तो मैंने हस्बैंड की कटिंग भी की ना, 3-4 घंटे इसी में लगा दिया और बहुत प्यारा फौजी बनाया मैंने अपने हस्बैंड को। तो आज जो है मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि आप अपने फ्रिज और फ्रीजर्स जो है ना वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि उन्होंने भी फ्रीज़र लेना है, सॉरी, उन्होंने तो वो देखना चाहती हैं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ तो, लेकिन मैं सोचा चले अगर किसी को काम आ जाता है, किसी को वाकई ज़रूरत हो तो मैं शेयर कर लेती हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने सोचा अभी मैं जो है ना जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करती हूँ जो कि जस्ट जो है फ्रिज और फ्रीज़र के बारे में होगी। तो बस मैं सिंपल अभी ये नाश्ता बनाने के बाद जो है ना आपके साथ अपना फ्रिज और फ्रीज़र शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो भी बताइएगा। तो चले खाना बना लूँ, फिर शुरू करते हैं। ठीक, तो वो चलिए अभी देखते हैं फ्रिज और फ्रीज़र। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं बता दूँ, मेरा जो फ्रिज है वो है डोलन्स का और ये जो है ये ऑलमोस्ट 13 से भी ज़्यादा ईयर पुराना है। आई थिंक मैंने इंटर किया था जब ये मेरे पेरेंट्स ने बाय कर लिया था मेरे जहेज़ के लिए। उन लोगों ने अपने घर के लिए फ्रिज लिया था और उन्होंने साथ में जो है मेरा भी फ्रिज ले लिया था। ये इतना पुराना है, इसको चलाया तो ऑफ कोर्स शादी के बाद चलाया था मैंने अपने यहाँ पर आके अपने घर में तो लिया, लेकिन ये बहुत पहले का है, बहुत काफ़ी पुराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट चल रहा है, ठीक है। और फ्रीज़र जो है ये बाद में लिया है, ये तो ये वाला इसका ब्रांड है। क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी फ्रिजर और फ्रीज़र ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे साथ जो है ना अपना फ्रिज और फ्रीज़र शेयर करें। तो ठीक है, मैं क्लोज़ करके दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको गूगल पर सर्च कर लें, ठीक है। ये इसका ब्रांड है। तो चलें अभी अंदर से देखती हूँ। और अंदर जो है टॉप पे तो उसके ये ऊंचा है, मुझे चेयर रख के चढ़ना पड़ता है फिर इसको खोल के अंदर खुलेगा। मैं कोशिश करती हूँ, ये यहाँ पर जो है ना बर्फ़ जम गई थी तो इसको खोलते हुए ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया इसका ड्रॉर। खैर, इसके अंदर होता है गोश्त, ठीक है, इसमें सारा गोश्त है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ, कुछ मैरिनेटेड है और कुछ थोड़ा बहुत कच्चा होगा। अगर ये ऊपर से नज़र आ जाए तो इसमें गोश्त है और मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है, इसके ऊंचाई है, काफ़ी हाइट है इसकी। और इसमें जो है वो पड़ा हुआ है दूध है, ये दूध पड़ा हुआ है, खुला दूध जो है ना ख़त्म हो गया। यहाँ पर दूध वाले नहीं आ रहा तो वो मैंने लेके फ्रीज़ किया था। अब्दुल हादी क्योंकि खुला ज़्यादा पीता है तो ये उसके लिए पड़ा हुआ है थोड़ा सा। अब तो खैर वो पाउडर वाला भी बेचारा पीने लग गया है, वो आ गया है। ये जो है ये दही है, एमरजेंसी यूज़ के लिए दही फ्रीज़ किया हुआ मैंने, वो चीज़ पड़ी है। नॉर्मली इसके अंदर जो है ना ये चीज़ वगैरह ही होती है या फिर मलाई वगैरह मैंने रखी होती है, जो क्योंकि मैं खुद देसी घी बनाती हूँ तो मलाई वगैरह जो है ना डिब्बे में डाल के रख देती हूँ, दूध वगैरह इसमें नहीं होता। और ये जो है पोर्शन ये है रमज़ान के लिए, इसमें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, चने हैं, समोसे हैं, रोल हैं, पिज़्ज़ा पॉकेट्स हैं और ये सारे जिपलॉक बैग में ये फुल है। ये मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई थी, ठीक है, ये सारा वो कुछ है रखा हुआ। तो यहाँ पर क्या है रखा हुआ, मैंने इसमें वेजिटेबल्स होंगी और ये फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, मिल्कशेक बनाती हूँ उससे बच्चों के लिए। और ये जो है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये क्या है, ये वो है लेमन, लेमन का जूस है, नीचे स्ट्रॉबेरी है एक बॉक्स में। ये कुछ रोल की और समोसे की पट्टियाँ जो एक्स्ट्रा बची थी वो रखी हुई हैं, दरमियान में जो है ना रमज़ान में यूज़ हो जाएंगी क्योंकि ये थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मुझे दोबारा से बनाना होगा। यहाँ पर सब्ज़ियाँ हैं, कुछ करेले हैं, नीचे भिंडी रखी हुई है और ये चटनी है। भिंडी वगैरह जो है ना मैं नॉर्मली फ्रीज़ नहीं करती, फ्रेश ही सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन करेले जो है वो हमेशा पड़े होते हैं मेरी फ्रिज में, सर्दियाँ गर्मियाँ पड़े होते हैं वो मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये है कबाब और ये नान है, पराठे हैं, नान पराठे जो हैं वो पड़े हुए होते हैं अक्सर ही, और मैं जो है ना अभी काम है तो और लेकर आऊँगी। और यहाँ पर एक मिनट, अब्दुल हादी को कुछ चाहिए मैं पहले उसको दे दूँ।
तो जब भी फ्रिज खुलता है ना तो अब्दुल हादी को पता चल जाता है, वो जनाब तशरीफ़ ले आते हैं भाग के जाके, क्योंकि उनको कैंडी लेनी होती है, जो कोई चॉकलेट लेनी होती है तो मैंने वो इसमें रखी होती हैं, वो एक्चुअली उसको अलाउ नहीं है ज़्यादा खाना, लेकिन जब खुलता है तो फिर वो रह नहीं पाता, तो खैर मैंने उसे दे दिया है। यहाँ पर ये जो है ये इसमें सारा बच्चों का सामान है, बच्चों के फ्राइज़ हैं, और ये देखें ये वो वाले फ्राइज़ हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थे, थोड़े से बच्चे हैं ये देखें, ये सारे वो हैं, ये जो हैं ये फ्रोज़न है, दूसरे ये भी वो वाले फ्राइज़ हैं, कुछ अभी पड़े हुए हैं, कुछ हमने यूज़ कर लिए हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये चिकन शॉर्ट्स हैं, और ये जो है ना कोफ्ता है, और ये नगेट्स हैं, बर्गर पैटीज़ हैं, और ये क्या है, ये भी बर्गर पैटीज़ हैं। एक्चुअली बच्चे जो है ना मेरे दूसरे ब्रांड्स के नहीं खाते, ये सिर्फ़ KNN के खाते हैं, और बहुत अरसे से जो है ना KNN यहाँ आना बंद हो गया है, बहुत कम आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता। तो जब हम मुल्तान जाते थे तो वहाँ से ले आते थे, लेकिन अब यही इन्हीं से गुजारा चल रहा है। ये कैंडीज़ हैं, इसमें बस बच्चों की खजूरें हैं, और ये वो है, ये जो बड़ी वाली किशमिश होती है ना, मोटे वाली, ब्लैक वाली, क्या उसको बोलते हैं, मनक्का, मनक्का कहते हैं, ये वो है। और नीचे जो है ना थोड़ी सी ब्रेड है, उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने थे तो मैंने उसको इधर रख दिया। तो ये है मेरा ओवरऑल फ्रीज़र, तो ये सारा इसमें जो है ना ज़रूरत का सामान है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो बस अब साथ में जो है मैं आपको फ्रिज भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे कि फ्रिज भी दिखा दें, और फ्रिज में कुछ वैसे है नहीं दिखाने वाला, वैसे आम ही जैसे होता है वैसे होता है। अच्छा जी, खैर सब दिखा रहे थे तो फिर हम भी दिखा देते हैं। ये इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें नॉर्मली जो है वो ब्रेड, बर्गर बन और शवारमा ब्रेड जो है ना वो है। वैसे मैं इसमें ब्रेड रखती हूँ ज़्यादातर, लेकिन जब भी बर्गर बन आते हैं तो वो फिर इसमें रख देती हूँ। और सर्दियों में तो ये बाहर पड़ा होता है, लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया, गर्मियाँ हैं, तो मुझे जो है ना फ्रिज में ज़्यादा सामान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। अंडे हैं, अंडे यहाँ पर होते थे पहले, यहाँ यहीं पर होते थे, लेकिन फिर अब मजबूर हैं इधर रखना पड़ते हैं, क्योंकि ये तो अब्दुल हादी से खुलता नहीं है, लेकिन यहाँ से वो अंडे उठा लेते हैं। और ये मेरी इमली और खजूर की चटनी है, सॉरी ये यहाँ पर इमली और खजूर की चटनी है, ये है रोज़ों के लिए ख़ास तौर पर। पुलाव रखा हुआ है, कल बनाया था, आटा रखा हुआ है, फ्रिज में तो ऐसी चीज़ें ही होंगी। और ये बच्चों का योगर्ट है, और ये जो है देसी घी है, वैसे मैंने कभी भी बाजारी देसी घी यूज़ नहीं किया, कभी कभार जब कभी इमरजेंसी हो ना हो तो यूज़ कर लेते हैं, जैसे अभी दूध नहीं आ रहा तो देसी घी भी नहीं बना सकते, तो फिर हम मजबूरन ये यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ मैं घर का ख़ुद बनाती हूँ, और बच्चों के पराठे जो हैं वो इसी से बनते हैं। ये क्या है, ये आई थिंक ये मेलन है काट के रखा हुआ, खरबूज़ा, खरबूज़ा, खरबूजे, ये खरबूजा नहीं है, ये तरबूज भी नहीं है, और उसके दरमियान जो एक होता है ना, ये वो है मेलन, मेलन मुझे उसका नाम नहीं आता, वो सही से उसका क्या नाम होता है। ये पेस्ट्री रखी हुई है अब्दुल हादी की, और ये वाइट राइस है बॉयल, बाकी बस इसमें सब्जियां हैं, रेगुलर सब्जियां हैं, आलू होंगे, और ये कद्दू पड़े हुए हैं, सब्ज़ धनिया पड़ा हुआ है थोड़ा सा, और ये शिमला मिर्च, और ये कुछ थोड़ी बहुत लेमन है। और डोर में जो है दूध बच्चों को रखती हूँ, क्योंकि वो आते जाते पी लेते हैं, अगर ठंडा हो तो पी लेते हैं, ना ठंडा हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं पीते। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क पड़ा हुआ है, बटर है, और ये क्या है, इमली है, मुझे खुद देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। और ये जो है पैनकेक सिरप, मिंट, कोरिएंडर, वो है सॉस है, अच्छी है ये, बस बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है। और ये जो है एप्पल साइडर विनीगर, ये मैं जो है कभी कभार पीती हूँ, निहार मुँह सुबह पीती हूँ, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी जो अगर मैं ओवर ईटिंग कर लूँ तो भी मैं इसका एक हाफ कप जो है पानी में डाल के, हाफ कप पानी में, हाफ इसका जो कैप है एक टेबलस्पून डाल के ठंडा करके पी लेती हूँ, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे खाना हज़म हो गया हो। और बाकी ये है अचार, ये है मस्टर्ड पेस्ट, और ये फ्रूटीन है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखें मैंने काफ़ी दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये वही वाली दो बोतलें बनाई थी, और ये इंशाल्लाह पूरा महीना चल जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा सामान तो कुक हो चुका है, अब क्या होगा, अब सिर्फ बच्चों का पास्ता होगा और रोज़ का एक सालन बनेगा, इसलिए ये चल जाएंगी। और ये बिल्कुल भी, ये देखा, ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं हुआ, ना इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये आराम से चलेगा पूरा महीना। ये क्या, पीनट बटर जैम, ये मुरब्बा है,
ये मुरब्बा किस चीज़ का है, ये आम का मुरब्बा है ये, और ये मेरा बादाम का शरबत जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बाकी केचप, ब्रेड, चिली गार्लिक और वो चटनी और मेयोनीज़, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये हो गया मेरा फ्रिज। और ये देखिए मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा फ्रिज। और अभी इसका टॉप में क्या रखा, इसका टॉप में आई थिंक कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका टॉप खाली है, क्योंकि इसमें मैंने बर्फ़ बनानी होती है, गर्मी है हमारे पास बहुत ज़्यादा, बर्फ़ बनाती हूँ और जो चीज़ें फ्रीज़ करनी होती है ना वो यहाँ पर रखती हूँ ट्रे भर के, ओवरनाइट फ्रीज़ होती हैं और फिर वो फ्रीज़र में डाल देती हूँ, और इसके अलावा और कोई सामान आ जाए तो वो फिर इधर यहाँ पर रखा जाता है। और ये जो है बच्चों का है कुल्फ़ा बनाया, आज ही मैंने बनाया था, कल बच्चों ने दोपहर में खुद बनाई थी आइसक्रीम और रखी थी और आज खाई है, और आज मैंने इनके लिए कुल्फ़ा बनाया है, ये भी, ये भी और ये भी कुल्फ़ा पड़ा हुआ है। बाकी ये जो मेरा लाल लोबिया है वो अभी मेरे ब्लैक चने रहते हैं बॉयल करके, वो मैंने जो है ना वो करने हैं। और ये घी, घी जो यूज़ करती हूँ तो वो फिर मेल्ट होकर गिरता रहता है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये जो है ये ये वो है पापड़ी बनाने के लिए, रोल की पट्टियाँ जो बच जाती हैं ना, जो टूटी हुई निकलती हैं, तो फिर उनको मैं पापड़ी बनाने के लिए ये रख देती हूँ, यहाँ से यूज़ करूँगी। और ये अब्दुल हादी की जॉ स्टिक है, इसे उसके जो है ना मैं मसाज करती हूँ फेस का, मुंह का। तो ये थी मेरी ओवरऑल फ्रिज एंड फ्रीज़र्स, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। तो बस